नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात श्रीवास्तव। किसी भी व्यक्ति के जीवन में त्याग और परिश्रम दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा उसके सफलता में एक अहम रोल अदा करती है। इसी क्रम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दृष्टि सिंह जुड़ रहे हैं, और चूंकि इन्हें दोबारा अभी कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी जिलाध्यक्षों की सूची जो है सार्वजनिक की है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ नया होगा उनके इस कार्यकाल में। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ जो है नई इस कार्यकाल में क्या कुछ नया होने वाला है आपके। देखिए, कार्यकाल में नया क्या होगा, मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया है, संगठन ने मुझ पर विश्वास किया, फिर से मुझे दायित्व दिया गया। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं संगठन का निरंतर काम करता रहा हूं और आगे करता रहूंगा। अगर बात की जाए कि आपके कार्यकाल में जो पिछला बीता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और गोरखपुर से सभी सीटों पर जो है विजय प्राप्त की, क्या कुछ कहेंगे? गोरखपुर की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करना, आदरणीय नरेंद्र मोदी या मोदी योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और हर कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता लग करके धन मन से लग करके इस चुनाव में अपनी भूमिका को निभाया है, और जिसका परिणाम है कि हम 9 की 9 विधानसभाएं जीते और योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व रहा। ये सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसके बल पर हम जनता के बीच में जा करके सरकार की विकास योजनाओं को उनसे चर्चा करते हुए एक बार पुनः गोरखपुर की 9 की 9 सीटें हम लोगों ने जीता। अगर बात की जाए आपके मंदिर से जुड़ाव की, तो कितना कुछ समय हो गया और क्या कुछ समय था वो दौर था जब आपका मंदिर से जुड़ाव हुआ? देखिए, गोरक्षनाथ का मंदिर एक आस्था का केंद्र है, मैं ही नहीं मेरे पूर्वज जुड़े रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र, इलाका, पूरा जिला उनसे जुड़ा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत व्यक्ति हूँ जो उनसे जुड़ा हूँ, मेरे पूर्वज जुड़े रहे हैं, गाँव समाज जुड़ा रहा है, एक आस्था का केंद्र है, एक संत है, संत से सभी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं। संत के रूप में जो उन्होंने राजनीति की एक अलग पहचान दी उसकी बहुत बड़ी बात है, और जिसका परिणाम है कि आज गोरखपुर क्षेत्र ही नहीं पूरा प्रदेश उनका एक संत के स्वरूप में, और एक सभी पूरे उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के रूप में जो जानने और मानने की उनकी जो एक प्रथा है, एक समाज को सुधारक के रूप में जो उनका एक संत स्वरूप है, इस सब की बहुत बड़ी देन है। निसंदेह अध्यक्ष जी, जो आपने कहा कि एक जब संत एक राजनीति में आता है तो जरूरी वो एक अन्य लोगों के लिए, अन्य पार्टियों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक नजीर का कार्य करता है। इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी, चूंकि व्यक्तिगत आपका आपकी बात हो रही है, तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे जो है प्रारंभिक शिक्षा, अन्य चीजों के बारे में। देखिए, 1984 में मैंने गोरखपुर से स्नातक की डिग्री लिया, और उसके बाद लगातार मैं पूज्य महाराज जी के साथ रहा, और आज भी मैं पूज्य महाराज जी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता रहा, बूथों से लेकर के मंडल अध्यक्ष और जिले तक का मैं कार्यकर्ता रहा, और आज संगठन ने एक बार पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया। एक जिलाध्यक्ष और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने दायित्वों का पुनः निर्वहन करते हुए मुझे विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में गोरखपुर जिले का कार्य बेहतर होगा, बस मैं ही कह सकता हूँ। अभी अगर देखा जाए चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव सर पे है, तो इसको लेके आपकी अभी से क्या रणनीति होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर सिर्फ चुनाव ही नहीं, निरंतर 5 सालों तक चुनाव के बाद भी लगातार किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच बनी रहती है। हम अपनी सरकार की विकास योजनाओं को लेकर के हमेशा जनता के बीच चलते रहते हैं। जनता की भलाई कहाँ है, जनता का सर्वोपर हित कहाँ है, उस बात को हमारी सरकार और संगठन निरंतर सोचती है, और जिसका परिणाम है कि आने वाला लोकसभा उसमें कहीं कोई तनिक भी दिक्कत नहीं है। आने वाली लोकसभा में हम लोग ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करेंगे, और निश्चित रूप से 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर
भारत में देश में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार पुनः पूरे विश्व में इस देश का डंका बजाएंगे। एक बार पुनः आपको अध्यक्ष पूर्ण जिलाध्यक्ष बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा आपको कि आपने इनसाइडर लाइव से बातचीत की। जी धन्यवाद।